नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल AV008 पे। भाइयों, ये रहने वाली है अपने सामने दी ऑल न्यू इनोवा क्रिस्टा। अब दी ऑल न्यू मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि ये 2023 वाला वेरिएंट रहने वाला है जिसके अंदर अपडेट्स आने थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपको सिर्फ 4 वेरिएंट्स में मिलने वाली है और सिर्फ डीजल ऑप्शन के साथ ही मिलेगी। ये मिलेगी भाई GX, VX और ZX। और भाई जो जी वाला वेरिएंट है वो आपका कमर्शियल के लिए रहेगा, बाकी ऊपर के जो वेरिएंट है वो प्राइवेट व्हीकल में भी यूज़ हो सकेंगे। अब यार बात करेंगे इस गाड़ी की ओवरऑल लुक की, इसके डायमेंशंस की और इंटीरियर में हमें क्या कुछ मिल जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें 2023 में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो सबसे पहले इसका जो फ्रंट लुक है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ आप चेकआउट करोगे तो ये जो आपको इस तरीके से दिख रही है भाई ग्रिल सिल्वर फिनिश, ये इसमें आपको अब नई मिलने वाली है। सेंटर में आपका लोगो हो गया और ये थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक रहने वाला है। अब नया क्या है, नया है भाई यहाँ पे ये जो नीचे लगाया गया है, ये क्रिस्टा दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, स्किड प्लेट जो रहने वाली है ये आपकी नई हो जाती है। बेसिकली पूरा प्रोफाइल जो है ना फ्रंट का है तो ये चेंज हो गया है। अब बात आती है इस साइड की, इस तरीके आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आपके ये रिफ्लेक्टर बेस्ड ही रहने वाले हैं। इधर आपको पार्किंग लैंप मिल जाता है, बाकी ये दोनों आपके हाई और लो बीम के लिए हो जाते हैं। नीचे की तरफ देखोगे तो यार यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और फोग लैंप इस वेरियंट में आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन हाउसिंग दे रखी है एडिशनली, आप लोग लगवा सकते हो। अब यार इंजन की बात करेंगे ना, 2.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 150 पीएस और 343 एनएम का टॉर्क। बाकी यहाँ पे आपको भाई ये मिल जाएगा जो यूरिया डलता है, जिसको आप डेफ बोलते हैं, एड ब्लू बोलते हैं, वो सब चीज़ें। और ऊपर इसमें आपको इंसुलेशन मिल जाती है, साउंड डैम्पिंग का काम करता है जैसे कि आप लोगों को पता है। और साउंड डैम्पिंग के लिए ना यहाँ पे भी पीछे आपको इंसुलेशन गिवन है, जो लाइनर आपको दिख रहा होगा, तो काफ़ी एक अच्छा काम हो जाता है। अब अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 1830 mm इसकी चौड़ाई रहने वाली है। वैसे यार एक बात बताऊं, डायमेंशंस में सच कोई भी चेंज नहीं आया है। जो चेंज हुआ है बेसिकली कि इसका पेट्रोल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि उसकी जगह इनोवा हाईक्रॉस आ गई है। और ये वाला जो वेरियंट है ना यार, अब आपको सिर्फ डीजल में ही मिलने वाला है। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अब इसमें आपको नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही मिलने वाली है। बाकी यार इस साइड आओगे आप तो ये रहेगी इसकी आपकी साइड प्रोफाइल। लेंथ में आपको बता देता हूँ 4735 mm की रहने वाली है इसकी, और व्हील बेस हो जाता है 2750 mm का। बाकी इस वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। रिवर्स में देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको भाई ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक हो जाते तो यार और भी सोने पे सुहागा हो जाता। बाकी बी पिलर और सी पिलर आपको ब्लैकआउट मिलता है, कोई विंडो लाइनिंग नहीं, सिर्फ ब्लैक कलर के अंदर रहने वाली है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और इधर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और नीचे यार आपको बटर लैंप भी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका वेलकम फीचर का काम करते हैं, जब गेट खुलते हैं ना तब ये खुल जाते हैं। बाकी ऊपर आप चेकआउट करोगे तो यार यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, और ये आपको स्पॉयलर मिल जाता है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो 55 लीटर का रहने वाला है। और माइलेज की बात करेंगे तो यार देखो 10 से लेके 15 के बीच में मान के चलो आप कि ये माइलेज आपको देगी। रियर लुक की तरफ आते हैं, ये रहेगा इसका रियर का लुक, जिसमें कि यहाँ पे आपको ये जो लाइट्स है ना ये हेलोजन बेस्ड दे रखी हैं, ठीक है। डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा हेलोजन का पैटर्न है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते हैं, इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग मिल जाती है, और ये सेंटर वाला पार्ट आप देखो ये ग्लोसी ब्लैक के अंदर है, जो एक अच्छा लुक इसको दे रहा है। बाकी वही सेम हो गया, नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और स्टेपनी आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी। बाकी टोयोटा की बैजिंग हो गई, ये आपका वाइपर, ठीक है, डिफोगर्स नहीं है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है इसमें आपको, और स्पॉइलर ना काफ़ी अच्छा है। बाकी स्पेस की बात करेंगे कि कितना स्पेस मिल जाता है, तो सिंपल आप उसको यहाँ से खोल सकते हो इस तरीके से भाई, हैवी फील होता है अच्छा खासा। तो यार स्पेस इसमें 300 लीटर का रहने वाला है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपको छेद दे रखे हैं, ये इसका भाई दे रखा है ना, ये आप निकाल के लगा सकते हो हेडरेस्ट। इधर आपको टूल किट मिल जाती है, ठीक है, ये आपका हैंडल टाइप हो गया, सीट बेल्ट्स हो गई आपकी, इधर भी ये हैंडल हो गया, और यहाँ पे आपको लाइट दे रखी है तो सही है। बाकी इनको आप फोल्ड करके अपना स्पेस बढ़ा भी सकते हैं अगर सिर्फ 5 जने जा रहे हैं। और पीछे क्या क्या मिल जाता है यार देखो, कम्फर्ट और स्पेस के मामले में तो ये मानी गई है। तो यहाँ पर और क्या क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है बोतल वोटल रखने के लिए, और इधर की तरफ भी आपको सेम ऐसी स्पेस मिल जाता है, ये दिख रहा होगा। बाकी इस तरीके से आपको सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, ये रही आपकी सीट बेल्ट्स यहाँ वाली हो गई। एसी वेंट्स आपको रियर में भी दे रखे हैं, सेंटर के भी दे रखे हैं, और फ्रंट में भी दे रखे हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पीछे की तरफ नहीं मिलेंगे, बाकी आगे की तरफ आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे।
और पीछे वाली सीट पे आने के लिए आपको सिंपल इन सीट्स को टंबल करना पड़ेगा और जैसे पहले होता था वैसे ही आना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे भी ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं। ये वाला जो वेरिएंट है ना, ये आपका 8 सीटर वेरिएंट है, इसमें आपको 7 सीटर वेरिएंट का ऑप्शन भी आता है। बाकी ऊपर इस तरीके से पूरी कवरिंग है, ये आपका हैंडल हो गया। ठीक है भाई, करो इसको बंद, काफ़ी हैवी यार, देखो दोबारा बोल रहा हूँ मैं, लिटरली फील हो रहा हैवी। बाकी रियर की तरफ आओगे तो ये रहने वाली है इसकी रियर की डोर ट्रिम, पूरा ब्लैक थीम में रहने वाला है ये। नीचे की तरफ इस तरीके से पटल लैंप मिल जाते हैं और जो बोतल होल्डर है ना, कायदे से बोतल होल्डर है भाई, आराम से 2-3 बोतल यहाँ पे खड़े करके आप रख सकते हो। विंडो का स्विच, क्रोम डोर हैंडल और नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और जो सीट्स है ना, सीट्स का फैब्रिक पहले से इम्प्रूव करा गया है इसका, और ये वही यहाँ से आप टंबल कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, ये आपने रिक्लाइन भी हो जाएंगी। इन सीट्स को आप आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैं फैब्रिक बता रहा हूँ, फैब्रिक की क्वालिटी इम्प्रूवड है, फैब्रिक के अंदर ये रहने वाली हैं। वेरिएंट में आपको फिर बता देता हूँ, ये GX वेरिएंट है नीचे से दूसरा वाला। बाकी स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। एज सच इस वेरिएंट में ना, इस गाड़ी के अंदर कभी भी स्पेस की कोई तो दिक्कत हुई ही नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा आपको लेग स्पेस, नी स्पेस सब मिल जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे एज सच जो है ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, तो यहाँ से भी अपना कोई चार्ज वार्ज करना चाहे तो कर सकता है। बाकी पॉकेट्स मिल जाती हैं आपको इधर की तरफ, यहाँ भी आपको पॉकेट मिल जाएगी। ठीक है, और उधर का सीन ऐसा रहेगा कुछ, एसी वेंट्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं। सेंटर में हेलोजन के अंदर आपकी लाइट मिल जाती है। अब आते हैं फ्रंट में, फ्रंट में क्या क्या मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। तो भाई सिंपल आओ अपना यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और देख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, मैं इसको गाड़ी को ना लॉक करता हूँ इसको, तो ये आपके ऑटो फोल्ड ORVM नहीं रहने वाले, अनलॉक कर लेता हूँ। इसी के साथ इसकी चाबी भी देख लो, इसमें लॉक अनलॉक का सिर्फ बटन मिलता है, फ्लिप की ये रहने वाली है। इस तरीके से पीछे टोयोटा की बैजिंग हो जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, ये रहने वाली है इसकी डोर ट्रिम, पूरी ब्लैक थीम है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब ये वाला जो है ना, फ्रंट की जो ड्राइवर विंडो है वो ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ आती है। एक वार्निंग और देख लो, दिस व्हीकल हैज़ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम, वही जो होता है DPF वाला यार, वही चीज़ होगा इसके अंदर। ये क्रोम का हैंडल हो गया। बाकी ये आपके ORVM के कंट्रोल्स, फोल्ड अनफोल्ड आप इनको कर सकते हो। नीचे जैसे मैंने बताया बोतल होल्डर, और ये आपका पटल लैंप, स्पीकर की प्लेसमेंट ये हो जाती है। अब नया क्या है ना, नया है भाई ये जो लुक है, ये ग्रेइश लुक दे रखा है इसके अंदर, ये इसमें आपका नया इंसर्ट करा गया है। और ये ना सही लग रहा है, ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है भाई, यहाँ पे अपना ना ग्लास रख सकते हो आप। इधर की तरफ आपको इल्यूमिनेशन के साथ ये मिल जाएगा, लगा देता हूँ इसको हाथ में क्या लूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका DPF क्लीन करने के लिए पार्किंग सेंसर्स का हो गया, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का हो गया, फ्यूल लिट खुल जाएगी, बोनट खुल जाएगा, नीचे आपके पैडल्स हो गए ABC, और यार डैड पैडल नहीं दिया भाई। चलो इधर आपकी जो सीट्स हैं वो आपकी हाइट एडजस्टिंग हो जाती हैं। ठीक है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गए। आते हैं अंदर यार, ये देख लो भाई, यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट हो गया, ये रहा भाई आर्मरेस्ट, काफ़ी अच्छा इसके अंदर स्पेस दे रखा है। अब देखेंगे इसका स्टीयरिंग व्हील, ये यार टू 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 करती रहेगी, अब नहीं कर रही। ठीक है, देखो अंदर से जो डैशबोर्ड है ना यार, वो वही रहने वाला है, यही वही सेम ये वाला डिज़ाइन यार, प्यारा प्यारा सा, बहुतों को प्यारा लगता है, बहुतों को एवरेज लगता है। ठीक है, पर बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे इसकी, डालते हैं एसेसरी मोड पे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। छोटी सी MID है जिसमें आपको इनोवा चमक रहा है, छोटी मोटी इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी ट्रिप की, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह। बाकी 6000 तक की आपका RPM मीटर रहने वाला है, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर का गॉज भी मिल जाएगा, इधर फ्यूल का मिल जाएगा, 200 की स्पीड लिमिट रहने वाली है, और कुछ वार्निंग्स वगैरह इसके अंदर आ रही हैं। अब इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम डाल देना चाहिए था मेरे हिसाब से, बाकी नहीं दिया। और ये कुछ रहेगा इसका सेंटर कंसोल, जिसमें कि ये वही सेम, बीच में क्लॉक, ये आपकी 8 इंच की डिस्प्ले हो जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस हो जाता है इसके अंदर, ये सारे आपके मैनुअल कंट्रोल्स हो जाते हैं। और यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट में आपको मिल रहे हैं मैनुअल AC की यूनिट। नीचे भाई पैसेंजर एयरबैग, इको मोड, पावर मोड, ये आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ का हो गया, यहाँ पे आप अपने सिक्के चिल्लर जो भी रखना चाहो यार रख सकते हो। ये आपका गियर नॉब हो गया, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ये गाड़ी आने वाली है। ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, यहाँ पे आप अपनी बोतल प्लेस कर सकते हैं या एक कप रख सकते हैं। और ये आपका ग्लव बॉक्स है, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, काफ़ी डीप स्पेस है इसके अंदर।
और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और यार इधर की तरफ देखेंगे, खुल जा भाई सिम, ये रहा भाई, यहाँ पे अपना आप ग्लास रख सकते हो। सीट्स का मैंने आपको बता ही दिया है, आर्मरेस्ट का भी हो गया है, और क्या बचा, हाँ ये जो है ना, ये आपका वाइजर, कोई टिकट होल्डर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे भाई अपने सनग्लास आप रख सकते हो। ये आपकी लाइट्स हो गई, हेलोजन के अंदर रहने वाली हैं। यहाँ पे आपका माइक हो गया, और इधर की तरफ आपको मिरर मिल जाता है, लाइट है या नहीं, लाइट नहीं मिलने वाली इसके अंदर। अगर आप सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो वही सेम पहले जैसे 3 एयरबैग आते थे, 3 एयरबैग मिलने वाले हैं इस वेरिएंट के अंदर। और ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब आपको मिल जाता है। वारंटी की बात करेंगे 3 साल, 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिलने वाली है। लुक में फ्रंट का लुक चेंज हुआ है इसका। अब यार प्राइसिंग्स की बात आ जाती है, ये GX वेरिएंट, चाहे आप 7 सीटर लो या 8 सीटर लो, ये आपको 19.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। अगर आप ऑन रोड की बात करोगे तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं हूँ इस समय ग्रैंड टोयोटा मेरठ में, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप फोन करके अपनी क्लियर कर सकते हो। यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों तो यार प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।